नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच करने के दौरान वसूली के आरोपों का सामना कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े गुरुवार को एसीबी के दफ्तर पहुंचे। वानखेड़े ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं और उनसे बयान दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उन्होंने खुद बयान दिया है। गौरतलब है कि समीर वानखेड़े से विजिलेंस की टीम ने कल 4.5 घंटे तक पूछताछ की। दूसरी ओर एनसीबी के विजिलेंस चीफ ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी कैंप ऑफिस पहुंचे हैं। रूस ड्रग्स केस के जांच से जुड़ी एनसीबी के एक और अफसर आशीष रंजन प्रसाद से पूछताछ होगी। दिल्ली से आई एनसीबी की टीम की तरफ से पूछताछ की जाएगी। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता ने कहा कि समीर शादी के पहले के सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं, लेकिन जाहिदा से शादी के बाद के सर्टिफिकेट्स नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समीर वानखेड़े हिंदू होते तो वो कभी अपनी बेटी की शादी ही नहीं करते उनसे। साथ ही साथ वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने सीएम उद्धव ठाकरे को मदद की गुहार लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी है। पूरी जानकारी के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों को लेकर उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने खुद को मराठा लड़की बताते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रेडकर ने सीएम उद्धव से न्याय की आस लगाते हुए उनसे मिलने का भी वक्त मांगा है। रेडकर ने चिट्ठी में लिखा है, माननीय उद्धव जी, बचपन से मराठी आदमी के न्याय और हक के लिए लड़ने वाली शिवसेना को देखते हुए मैं एक मराठी लड़की बड़ी हुई हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का आदर्श लेकर मैं बड़ी हुई हूँ। इन दोनों ने सिखाया कि किसी पर अन्याय मत करो, खुद पर अन्याय मत सहो। उसी के मद्देनजर आज मैं अपने निजी जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हूँ और लड़ रही हूँ। इस बीच समीर वानखेड़े की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना कुरैशी के पिता डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने कहा कि मैरिज अरेंज थी, ना कि लव मैरिज। शादी से कुछ वक्त पहले से हम एक दूसरे को जानते थे और ये जानते थे कि वो मुस्लिम है, उनका पूरा परिवार मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि वो हमारे पास मुस्लिम बनकर आए थे। डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के दावे के बारे में पूछे गए सवालों के बारे में कहा कि वो कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि हम बेटी के तलाक के बाद ही सब कुछ भूल चुके हैं, ऐसे में हम किसी तरह का उन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। बता दें, आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस के बाद से उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को झूठे केस में फंसाने, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, धर्म बदलकर नौकरी लेने जैसे कई संगीन आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, इस केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सैल ने भी समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए हैं। फिलहाल समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की विजिलेंस टीम जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।